ओके स्टूडेंट सेम है तो एक फंक्शन दे दिया गया है, -x, is, कि अगर x की than, 1 है तो एक्स की पावर टेन माइनस वन आएगी और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है सो एक्स स्क्वायर आएगी तो फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है जहां पर लिमिट ब्रेक हो रही है मतलब एट एक्स इज इक्वल टू वन तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ फिर एक स्मॉल नंबर एज्यूम करते हैं एच टेंड्स टू जीरो एंड एक पॉइंट लेते हैं दैट इज वन माइनस एच क्यों किया क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड के लिए वन से छोटा तो हमने वन माइनस एच ले लिया अब वन से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा दिस तो वन माइनस की पावर टेन माइनस तो ये तो जीरो हो जाएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट वन की पावर टेन इज वन एंड वन माइनस वन इज जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई जीरो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन वन एफ एक्स सो अगेन एक नंबर लिया हमने एक्स टेंस टू जीरो एंड एफ इज वन प्लस एच फॉर द वैल्यूज ग्रेटर नंबर लिया था उसको वन में एड कर दिया तो अब जब फंक्शन की एक्स की वैल्यू ग्रेटर फंक्शन लगेगा एक्स तो के प्लेस पे वन प्लस एच स्क्वायर हो गया तो वैल्यू क्या आ गई वन तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट सेम इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट सो द फंक्शन इज डिस्कटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वस टू वन तो जो पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें निकालना था इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या आया वन सो बॉटम लाइन हमने लिख दी द फंक्शन इज डिस्किन्यूअस एट एक्स इज इक्व टू वन सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इस टाइप के जिसमें आपको पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी निकालनी थी सो लेट्स मूव ओवर टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओके स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन भी वेरी मच सेम पैटर्न का क्वेश्चन है एक फंक्शन दे दिया गया है कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वन है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस फाइव होगी और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस फाइव होगी तो हमें ये चेक करना है कि द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस और नॉट तो अगेन हम उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं जहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो ब्रेक हो रही है मतलब एट वन पे आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है तो हम चेक करते हैं एट एक्सक्वल्स टू वन के लिए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे विद अ वेरी मच सेम प्रोसीजर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन एफ एक्स नन एक छोटा नंबर एच टेंस टू जीरो एज्यूम करेंगे उसको वन में से माइनस करेंगे क्योंकि हमें उन वैल्यूज़ के लिए निकालना है जो वन से छोटी हैं So, F1 minus H, से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन होगा आपका x प्लस फाइव हे x के प्लेस पे वन प्लस एच आएगा क्योंकि f वन प्लस एच है दोबारा रिवाइज करा देती हूं अगर f x x प्लस फाइव है एफ पी क्या होगा p प्लस फाइव एफ जी क्या होगा g प्लस फाइव मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा यहाँ पे क्या था वन माइनस एच तो क्या हो जाएगा वन माइनस एच प्लस फाइव तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने ये लिखा जब हम लिमिट पुट करेंगे एच जीरो हो जाएगा वन प्लस फाइव क्या आएगा सिक्स तो सिक्स आई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव राइट एफ एक्स नैन अगेन सेम लाइन लिमिट एच टेंस टू जीरो मतलब एक कोई ऐसा नंबर जो वन से बड़ा हो वन से बड़ा होने के लिए ये वाला फंक्शन लगेगा दैट इज एक्स माइनस फाइव अगेन एफ वन प्लस एच के लिए ये फंक्शन लगाना है तो क्या करना होगा x के प्लेस पे वन प्लस एच रख देते हैं रख दिया देन माइनस फाइव एज इट इज कॉपी कर लिया सो so, जब हम लिमिट पुट करेंगे एच जीरो हो जाएगा एंड वन प्लस माइनस फाइव बचेगा दैट इज माइनस फोर तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है मतलब द फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट

ओके स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो क्वेश्चन क्या है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है आपके सामने उसकी आपको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो किस किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है एक तो फंक्शन वन पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि लेस देन वन के लिए एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं और ग्रेटर देन के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हैं दूसरा फंक्शन थ्री पे ब्रेक हो रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन थ्री के लिए कुछ और हैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री के लिए कुछ और हैं तो हम इस क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड एक्स इज इक्वल्स टू थ्री के लिए कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए राइट तो उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं वेरी मच क्लियर एंड रिपीटेड स्टेप है लिमिट नेगेटिव वाई क्योंकि पर निकालनी है लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो नेगेटिव लग गया एफ एक्स देन एक स्मॉल क्वांटिटी हम एब जूम करेंगे माइनस एच नाउ नेक्स्ट स्टेप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अब फोर द वैल्यूज लेस देन वन राइट वन में से हमने स्मॉल क्वांटिटी को माइनस किया है मतलब वैल्यू वन से छोटी है तो वन से छोटी है अगर एक्स की वैल्यू तो क्या रिजल्ट आएगा थ्री एक कांस्टेंट है तो सिंपली लिमिट पुट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड आंसर विल बी थ्री अब हम क्या निकालेंगे अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे विद द वेरी सेम प्रोसीजर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच अब हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है फंक्शन की फोर वैल्यू जिसकी एक्स की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन वन हो राइट right? क्योंकि वन प्लस समथिंग है तो ग्रेटर देन वन के लिए हमारी वैल्यू क्या है फोर सो कांस्टेंट है अगेन लिमिट पुट करने के बाद भी फोर आएगा तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट सो द फंक्शन गिवेन इज डिस्कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू वन लिख देते हैं स्टेटमेंट तो वन पे चेक करिए डिस्कॉन्टिन्यूस आया सिमिलरली अब थ्री पे चेक कर लेते हैं राइट वेन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री तो सेम प्रोसीजर है फॉलो करते हैं लेट स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए चेक करना है तो कितना स्लाइड सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे जहाँ पहले वन के लिए चेक करना था तो वन माइनस थी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब थ्री के लिए चेक करना है तो थ्री माइनस हो गई देन लिमिट एच टेंस टू तो जीरो थ्री माइनस एच मतलब एक ऐसी वैल्यू एक्स की जो तीन से छोटी है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सो व्हेन एक्स इज लेस देन थ्री फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है फोर सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट भी आंसर फोर ही आएगा फिर हम सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसमें हमने थ्री प्लस लिखा है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री प्लस एच एक एक्स की वैल्यू जो थ्री से बड़ी है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है फाइव अगेन अ कॉन्स्टेंट लिमिट पुट करने के बाद भी फाइव आएगा सो so आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो फोर है जो राइट हैंड लिमिट आई है वो फाइव है मतलब

एक और बात क्या किसी और पॉइंट पे फंक्शन डिस्कटिन्यूअस हो सकता है नो no. क्योंकि जितनी डेफिनेशन गिवेन है उसके अकॉर्डिंग तो ये वन पे ब्रेक हो रहा था फंक्शन और थ्री पे ब्रेक हो रहा था तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिमिलर वे में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बिल्कुल भी टफ नहीं है कॉन्टीन्यूटी अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो हर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं फिर भी आपके लिए सॉल्व कर रही हूं बट दे आर वन एंड द सेम सो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं ओके स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन सेम है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ जो गिवन है आपके पास तो आपके पास कुछ इस तरीके से फंक्शन गिवन है तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है सो यू कैन चेक द पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी एक तो फंक्शन जीरो पे ब्रेक हो रहा है राइट right, और एक फंक्शन वन पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की आपको दो डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं मतलब फंक्शन ब्रेक किस पे हो रहा है एट x इज इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू वन तो हम दोनों पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी पहले x इज इक्वल्स टू जीरो पे करते हैं क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स देन लिमिट h टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच तो किसके लिए हमें निकालना है लेस देन जीरो के लिए क्योंकि जीरो में से एक छोटी क्वांटिटी हमने माइनस की है मतलब एक पॉइंट एक वैल्यू ली है x की जो जीरो से छोटी है उसके लिए आपका ये वाला फंक्शन वर्क करेगा टू एक्स सो एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच है हियर तो टू जीरो माइनस एच जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा तो टू इंटू जीरो क्या आएगा जीरो अब आप निकालते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट उसके लिए लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू जीरो जीरो प्लस एच अब हमने एक नंबर लिया दिस इज फंक्शन अब हमने एक नंबर लिया जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा नंबर है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा द सेकेंड फंक्शन ये वाली स्टेटमेंट तो वैल्यू क्या है उसके कॉन्स्टेंट है जीरो राइट right, तो इसका आंसर भी जीरो आया अभी तक हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी ज़ीरो राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी जीरो अब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट देखते हैं मतलब अब जीरो निकालते हैं क्लियरली इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है मतलब वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है जीरो सो इन वन लाइन आप क्या ले सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज टू फंक्शन की वैल्यू एट द द पॉइंट सो फंक्शन इज ये तीनों इक्वल आए यही कंडीशन होती है ठीक है तो इसी के साथ हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया मतलब जब x की वैल्यू जीरो थी अब सिमिलरली विद वेरी सेम पैटर्न हम क्या करेंगे जब x की वैल्यू वन है तो हम कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन मैंने बहुत क्लियरली शो किया है आपको रेड पेन से चेंज करके कि बस स्लाइट सा चेंज होता है अगर आपका वैल्यू uh, चेंज होती है एक्स की तो तो लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच मतलब फंक्शन की वैल्यू x के उस पॉइंट पे जब x लेस देन वन है वन से कुछ घटाया मतलब वैल्यू स्लाइटली लेस है वन से तो जब x लेस देन वन है तो वैल्यू क्या है आपके पास जीरो सो लिमिट h टेंस टू जीरो कॉन्स्टेंट है जीरो आफ्टर पुटिंग द लिमिट जरूरत ही नहीं है तो द रिजल्ट इज जीरो अब हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ये दोनों स्टेटमेंट कहा से आ रहे हैं वो तो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा बिकॉज वी आर डूइंग क्वेश्चन राइट स्टूडेंट सब में बिल्कुल सेम है सो so, अब नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन की वैल्यू मतलब जब एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है उसके लिए ये वाला फंक्शन लगेगा दैट इज फोर एक्स फोर एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स है तो एक्स था वन प्लस एच है तो क्या आ जाएगा फोर वन प्लस एच नाउ अगर हम अब अग लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर वन प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू फोर तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है सो so, क्लियरली एक स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू One, लिख देते हैं एंड रीजन रीजन तो हमें पता ही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है लिख दिया द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट इज एक्स इज इक्वल टू वन बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बहुत ही इजी क्वेश्चन था और किसी पॉइंट पे क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है नहीं क्योंकि क्लियरली मैंशन है मैं आपको ग्राफ के ड्रॉ करके बताती हूँ दिस इज जीरो दिस इज वन तो इन्होंने क्या कहा है जीरो से लेस वैल्यू के लिए तो हमेशा टू एक्सी रहेगा तो यहां पर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की ऐसे ही ग्रेटर देन वन के लिए भी क्या है फोर एक्सी रहेगी फंक्शन की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो दैट इज ग्रेटर देन वन सबके लिए फोर है तो डिसकॉन्टिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं होता सो फॉर दिस रीजन हम सिर्फ दो पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है एक तो जीरो पे हो रही थी एक वन पे हो रही थी जीरो पे फंक्शन क्या आया कॉन्टिन्यूस आया था वन पे क्या आया डिसकॉन्टिन्यूस सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्टूडेंट लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन सेम है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक फंक्शन आपके सामने दे दिया गया है तो अगेन विद अ वेरी सिमिलर वे क्वेश्चन फिफ्टीन में जैसे किया था तो फंक्शन कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रहा है एक तो माइनस वन पे हो रहा है और एक वन पे हो रहा है तो हमें एक तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन के लिए कॉन्टिन्यूटी निकालनी होगी और एक एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए तो सबसे पहले माइनस वन के लिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली दैट इज Limit x tends to minus one minus, है, क्योंकि माइनस वन था और माइनस क्यों क्योंकि लिमिट निकाल रहे थे zero, minus minus h, तो से के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा दिस वन राइट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन सो वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस टू ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालू तो उसमें वन प्लस हो गया देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच राइट फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन माइनस वन के लिए मैं हमने इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिया तो फोर वैल्यूज ग्रेटर देन माइनस वन क्या फंक्शन है दैट इज टू एक्स एक्स था तो एक्स आया यहां पर माइनस वन प्लस एच था तो टू माइनस वन प्लस एच आ गया ऑन सॉल्विंग जब हमने लिमिट पुट करी तो क्या आ गया हमारा आंसर माइनस टू अब थर्ड स्टेप पे चलेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हाई हैं तो थर्ड स्टेप पे चलेंगे दैट इज फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट माइनस वन तो इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है वन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस टू सो वॉट यू आर ऑब्जर्विंग के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट माइनस वन सो

हमारे पास डेफिनेशन क्या है टू एक्स सो टू एक्स के प्लेस पे क्या आ गया वन माइनस एच जब लिमिट पुट करी तो एच जीरो हो जाएगा क्या आएगा टू इंटू वन इज इक्वल्स टू टू ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं उसके लिए एक्सटेंड्स टू वन प्लस अगेन प्लस क्या होता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक जोड़ना है इसका मतलब ये है फोर द वैल्यूज ग्रेटर देन वन तो नेक्स्ट स्टेप लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच तो अब हमने कौन सा पॉइंट लिया जो वन से बड़ा है वन से बड़े के लिए डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है टू सो लिमिट पुट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर क्या आ गया टू अब वैल्यू देखते हैं एट द गिवन फंक्शन वन पे चेक कर रहे थे तो एफ वन पे इक्वल्स टू कहाँ पे लगा हुआ है वेन एक्स इज इक्वल्स टू वन वैल्यू क्या है टू एक्स ओके okay, x यहाँ पे वन है तो क्या आ जाएगा टू इन टू वन इज इक्वल टू टू तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट वन ओके तीनों इक्वल है तो क्लियरली क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपको गिवन है इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू वन ओके बॉटम लाइन हमने लिख दी द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू वन कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी थी माइनस वन पर भी कॉन्टिन्यूस आया एंड वन पर भी कॉन्टिन्यूस आया सो so, ये दोनों पॉइंट है जिन पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या और कोई पॉइंट हो सकते हैं जहां पर हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए नो no, क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ दो पॉइंट पे ही ब्रेक हो रहा है सो so, अगर मैं ग्राफ ड्रो करके बताऊं दिस इज जीरो दिस इज वन दिस इज माइनस वन तो क्या किसी और पॉइंट पे आपकी वैल्यू डिसकॉन्टीन्यूस हो सकती है फंक्शन की देख लेते हैं एक बार नहीं हो सकती है कैसे क्योंकि माइनस वन से छोटी वैल्यू के लिए तो आपकी सबकी वैल्यू माइनस टू है और वन से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा वैल्यू टू है सो so यहाँ पे कहीं भी आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं हो जाता क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है राइट सेम डेफिनेशन के साथ जा रहे हैं तो यही दो पॉइंट थे जहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूटी के चांसेस थे हमने दोनों पॉइंट चेक कर लिए और दोनों ही पॉइंट पे भी फंक्शन है हैंस द गिवन फंक्शन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर ओके स्टूडेंट आगे चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ओके स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें क्या गिवन है फाइंड द रिलेशनशिप यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी जो कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री मतलब ये दे दिया है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है मतलब क्या दे दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू थ्री है, ये तो ट्रू है ही अब विद द हेल्प ऑफ दिस आपको क्या निकालना है ए एंड बी की वैल्यू मतलब उनके बीच का रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे राइट दैट लिमिट एक्स एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव एक्स देन लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री माइनस एच सो थ्री माइनस एच मतलब टू पॉइंट समथिंग राइट मतलब थ्री से एक छोटी वैल्यू वही लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है सो so, थ्री से छोटी वैल्यू के लिए क्या डेफिनेशन है ए एक्स प्लस वन सो एक्स के प्लेस पे थ्री माइनस एच आ गया प्लस वन सेम है ऑन सॉल्विंग जब आप लिमिट पुट कर देंगे एच के प्लेस पे जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा थ्री ए प्लस वन ये आपकी वैल्यू आई लेफ्ट हैंड लिमिट की अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो मतलब थ्री प्लस एच मतलब थ्री पॉइंट समथिंग लाइट से एजरो जीरो वन मतलब एक ऐसी एक्स की वैल्यू जो थ्री से बड़ी है तो एक्स की वैल्यू अगर थ्री से बड़ी है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बी एक्स प्लस थ्री सिमिलरली बी एक्स की वैल्यू थ्री प्लस एच है प्लस थ्री अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा थ्री बी प्लस थ्री राइट एक लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई एक राइट हैंड लिमिट आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल है तो रिलेशनशिप निकालने के लिए ने equal कर दीजिए राइट right, क्योंकि ये थी है रख दी अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं दैट इज थ्री ए बी को भी इधर ही ले आता है माइनस थ्री बी इज इक्वल टू थ्री माइनस वन तो इसमें से अगर थ्री कॉमन ले लें तो ए माइनस बी एंड थ्री माइनस वन इज टू देन ए माइनस बी क्या आ गया टू बाई थ्री सो दिस इज द रिलेशनशिप जिसकी वो बात कर रहा था हमें निकालने के लिए हमने निकाल दी कि अगर ए में से माइनस करेंगे बी तो टू बाय थ्री आएगा सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी बहुत ईजी क्वेश्चन था प्रीवियसली क्वेश्चन में क्या गिवन था कि फाइंड आउट कीजिए कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं इस क्वेश्चन में दे दिया ही गया था कि कॉन्टिन्यूस है सिर्फ रिलेशन निकालना था निकाल लिया सो so, अब एक और चीज बताई देती हूं अगर पूरा क्वेश्चन कर ही लिया है तो कि फंक्शन की वैल्यू एट थ्री क्या होगी इक्वल्स टू तो यहाँ पे लगा हुआ है ए एक्स प्लस वन मतलब थ्री ए प्लस वन सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन स्टूडेंट बहुत सेम पैटर्न से हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो लेट स्टार्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एटीन ओके स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कहा गया है क्वेश्चन में फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ लैमडा लैमडा की किन किन वैल्यूज के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड वॉट अबाउट कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू वन तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन के स्टेटमेंट से बेसिकली आपको करना क्या है आपको चेक करना है कि ये एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं अपने सिंपल वही तीन स्टेप फॉलो करते हैं फर्स्ट स्टेप मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज़ एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच जीरो माइनस एच मतलब फॉर अ वैल्यू लेस देन ज़ीरो उसके लिए आपका कौन सा फंक्शन वर्क करेगा दिस वन क्योंकि फॉर वैल्यूज लेस देन ज़ीरो के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है तो लैमडा लैमडा एक्स के प्लेस पे आपने जीरो माइनस एच रख दिया का स्क्वायर देन माइनस टू इंटू एक्स था तो एक्स के प्लेस पे जीरो माइनस एच रख दिया तो सिंपली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये टर्म भी जीरो जीरो हो जाएगा तो लैमडा इंटू जीरो आपके पास जीरो तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई स्टूडेंट जीरो अब विद अ वेरी सिमिलर पैटर्न राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच ओके अब हमें वो वाला फंक्शन लेना है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उसके लिए कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा दिस वन दैट इज फोर एक्स प्लस वन तो एक्स के प्लेस पे मैंने जीरो प्लस एच रख दिया एंड ऑन सॉल्विंग जब आप लिमिट पुट करेंगे ये टर्म जीरो हो जाएगा प्लस वन तो वैल्यू क्या आई वन तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो जीरो आई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वन आई मतलब दे बोथ आर नॉट सेम और अगर वो इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लैमडा किस वैल्यू के लिए लैमडा की फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है पर यहां तो फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं है तो बॉटम लाइन क्या आ जाएगी आपके पास फोर नो वैल्यू ऑफ लैमडा किसी भी वैल्यू के लिए लैमडा की फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है ओके स्टूडेंट सो यहीं तक बात की हमने एक्स इक्वल्स टू जीरो की अब सिमिलरली हम कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू वन ओके स्टूडेंट तो उसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं उसमें क्या गिवन है कि x इज इक्वल्स टू वन के लिए चेक करना है तो x इज इक्वल्स टू वन के लिए चेक कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज वन माइनस सो वन माइनस एच हो जाएगा तो फोर वैल्यूज लेस देन वन आपका कौन सा फंक्शन काम करेगा दिस वन क्योंकि वन जीरो से तो बड़ा है राइट right? मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू है वन एंड अगर वन के लिए फंक्शन ये है तो हम क्या लिख देंगे फोर एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा एच प्लस वन अब इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा अगर आप लिमिट पुट कर दें सो फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ये आपके आ गई लिमिट. अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं वन प्लस एफ एक्स सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच मतलब फोर वैल्यू सी अगर मैं इस फंक्शन को आपको समझाऊं सो दिस इज जीरो और जीरो से सभी बड़ी वैल्यू के लिए क्या फंक्शन है फोर एक्स प्लस वन राइट तो वन समवेयर हेयर लाई करेगा तो वन से छोटी वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन है और वन से बड़ी वैल्यू के लिए भी वही फंक्शन है राइट right? तो बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन है तो क्या आ जाएगा 4X के प्लेस पे दिस टाइम प्लस वन अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्या होगा फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फाइव आई राइट हैंड लिमिट निकाली फाइव आई अब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट निकालते हैं मतलब एफ वन निकालते हैं सो एफ वन के लिए भी ये सेम फंक्शन वर्क करेगा मैंने बताया क्यों सो देट इज फोर इन टू वन प्लस तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लैमडा लैमडा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है तो अगर आप ध्यान से देखें तो लैमडा तो कहीं भी पिक्चर में नहीं आया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैमडा मतलब लैमडा की कोई भी वैल्यू हो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस राइट स्टूडेंट तो लिख देते हैं बॉटम लाइन दैट दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैमडा क्योंकि एफ वन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइव तीनों सेम है सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर एटीन स्टूडेंट इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको ये वर्ड दिख रहा है आपके क्वेश्चन में तो आपको ये ही प्रोसीजर फॉलो करना है ये तीन चीजें निकालनी है अगर तीनों इक्वल आती हैं तो कॉन्टिन्यूस है अगर नहीं आती है तो कॉन्टीन्यूस नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ओके स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है शो एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट मतलब हर इंटीजर वैल्यू के लिए वो फंक्शन जो गिवन है वो आपका डिस्कॉन्टिन्यूस है ये आपको क्या करना है शो करना है अब इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दे दी है क्या है ये डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था ये क्या देता है अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर तो ये उसका स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वो देता है लाइक इन दिस केस ये आपको वन देगा टू पॉइंट नाइन नाइन है इन दिस केस ये आपको टू देगा इसका मतलब ये नहीं है कि भाई टू पॉइंट नाइन नाइन है राउंड ऑफ होके तो थ्री हो रहा है नो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो उसके अंदर लिखा होता है उसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है राइट right? या फिर इक्वल टू इक्वल टू का मतलब जैसे थ्री पॉइंट जीरो लिखा हुआ है तो थ्री ही देगा सो इधर इक्वल टू और लेस देन ठीक है यहां तक तो थी बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अब आगे चलते हैं किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए तीन चीजें निकालनी पड़ती है एक लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरी राइट हैंड लिमिट एंड थर्ड वन इज फंक्शन की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हमने क्या किया एक नंबर एज्यूम कर लिया कोई भी पॉजिटिव नंबर मतलब ए एक कोई हमने नंबर लिया है दैट इज ग्रेटर देन जीरो हमने जनरलाइज कर लिया चीजों को राइट right? के वो जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करता है इंटीजर से बिलोंग करता है राइट right? मतलब वन टू थ्री फोर फाइव टेन हंड्रेड टेन थाउजेंड कुछ भी है एक ऐसा कोई नंबर हमने ले लिया तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव राइट क्योंकि वो नंबर ए लिया है जी एक्स देन लिमिट एच टेंस टू ए नेगेटिव जी ए माइनस एच यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है प्रोसीजर ओके okay, तो उसके बाद हमें फंक्शन में वैल्यू रखनी है तो एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच रख दिया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए माइनस एच ओके okay, स्टूडेंट अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर आती है जब आप a माइनस एच लिखेंगे तो वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर क्या वैल्यू आएगी तो स्टूडेंट अभी जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे मैं दोबारा लेती हूँ अगर 1.25 है तो बाहर क्या आता है वन 2.99 है तो बाहर क्या आता है 2 तो सिमिलर वे में स्टूडेंट्स यहाँ पर a है कोई भी एक नंबर है उसमें से आप कुछ माइनस करेंगे राइट right? तो हमारे आउटपुट पे क्या नंबर आएगा उससे एक कम नंबर आएगा मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ लेट्स से मैंने कोई भी इंटीजर लिया टेन उसमें से मैंने एक बहुत स्मॉल वैल्यू माइनस की तो आपके पास नाइन पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा नाइन वेरी मच क्लियर तो अगर इसका आउटपुट नाइन आ रहा है मतलब टेन माइनस उससे एक छोटी कम वैल्यू तो अगर मैं जनरल वे में लिखूं तो a माइनस एच का आउटपुट क्या आएगा a माइनस वन मतलब जो a इंटीजर हमने लिया है उससे एक कम वैल्यू ओके okay? उसके बाद कुछ भी नहीं है बस अपने लिमिट को पुट कर दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा मींस a माइनस वन प्लस वन ए से कैंसिल एंड आउटपुट पे क्या आएगा वन सो so, यहां पर हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट वो कैसे निकालेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव कोई भी एक इंटीजर है उसके लेफ्ट उसके राइट हैंड साइड की वैल्यूज निकालनी है जी एक्स इज टू लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ए प्लस एच फिक्स स्टेप है उसके बाद हमने इसी फंक्शन में रख दिया क्योंकि हमें कोई डिफाइन नहीं था कि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन एक ही डेफिनेशन दी हुई है तो सेम डेफिनेशन लगेगी x के प्लेस पे a प्लस एच रख दिया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के प्लेस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच रख दिया तो अब जब यहां पे ये सॉल्व होगा तो ये क्या आउटपुट देगा मैं सेम एग्जाम्पल लेती हूं लेट से जो मैंने ए लिया है वो टेन है अब टेन में मैं कोई भी एक स्मॉल क्वांटिटी एड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 10.01 और इसका आउटपुट क्या आएगा 10 मतलब जो नंबर मैंने लिया था वही आउटपुट पे आ रहा है राइट right? जो नंबर लिया था वही आउटपुट पे आ रहा है सिंपली इसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिए क्या आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा a माइनस से इट सेल्फ जीरो तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है मतलब जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है बहुत ही इजीली हमने चेक कर लिया ये फोर वैल्यूज फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए था आप सिमिलर वे में फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं बट हमने प्रूव कर दिया कि जो आपका ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है वही आपको प्रूव करना था वाई बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू

अगेन प्रोसीजर इज सेम तीन चीजें निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ की वैल्यू एट द पॉइंट पाए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं सेम चीज़ है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाए नेगेटिव मतलब फॉर द वैल्यूज लेस देन पाए एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ पाए माइनस एच अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन सेम है चाहे वो पाए के ऊपर हो चाहे पाए से नीचे हो चाहे पाई से वैल्यू बड़ी हो राइट right? तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के प्लेस में हमने पाई माइनस एच स्क्वायर लिख दिया देन माइनस साइन एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एच प्लस फाइव अब स्टूडेंट्स जब आप लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा ये ज़ीरो है ये भी जीरो है साइन पाई की वैल्यू इट्स सेल्फ इज इक्वल्स टू जीरो साइन पाई जीरो होता है सबको पता है तो क्या हो गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव राइट तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दैट इज़ लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई प्लस एच फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन पाए तो फंक्शन की डेफिनेशन अभी भी सेम है तो एक्स के प्लेस पर अब हम क्या लिख देंगे पाई प्लस एच सिमिलरली जब आप अपनी लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि एच तो जीरो है ही एंड साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या बचेगा पाए स्क्वायर प्लस फाइव ओके स्टूडेंट तो आपकी दोनों वैल्यूज अभी तक सेम है लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी अब थर्ड चीज हम क्या निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट एट पाई निकाल रहे हैं तो x की जगह पर पाई रख देंगे अपने फंक्शन में दैट इज पाई पाई स्क्वायर माइनस प्लस अगेन साइन इज इक्वल टू जीरो होता है तो क्या बचा पाई स्क्वायर प्लस फाइव सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू एट पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस फाइव है सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बहुत ही आसान क्वेश्चन था कोई लिमिट ब्रेक हो ही नहीं रही थी डेफिनेशन सेम थी रिजल्ट तीनों के इक्वल आए तो कॉन्टिन्यूअस है ओके स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें क्या गिवन है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आपको तीन पार्ट दे दिए गए हैं और कहा गया है कि डिस्कस कीजिए इनकी कॉन्टीन्यूटी पहला है साइन एक्स प्लस कॉसक्स दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉसक्स तीसरा है साइन एक्स इंटू कॉसक्स सो बिफोर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊँ मैं आपको एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहती हूँ हमने एक छ्यरम पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर दैट उनका जो एडिशन है वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा उसी पॉइंट के ऊपर उनका सब्सट्रैक्शन भी कॉन्टीन्यूअस होगा एट सी उनका मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टीन्यूस होगा और उनका डिविजन भी कॉन्टीन्यूस होगा तो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते के साथ ही आई डू नॉट थिंक कि अब ये ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रह गया है सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ क्या साइनक्स कॉन्टीन्यूअस है यस yes, उसका ग्राफ भी आप जानते हैं एक साइनस वेव होती है जो कॉन्टिन्यूस होती है कॉसेक्स की बात करें वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है सो बाय दिस थोरम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस कॉसेक्स इज कॉन्टिन्यूअस सो एफेक्स इज कॉन्टिन्यूस राइट right स्टूडेंट तो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है अगर ये कॉन्टीन्यूअस है ये कॉन्टीन्यूस है सो बाय यूजिंग दिस थ्योरम आप प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखिएगा बाय यूजिंग दिस थ्योरम पार्ट वन के लेट्स से दिस इज पी एक्स एंड दिस इज जी एक्स सो अगर पी एक्स कॉन्टिन्यूस है जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो पी एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होगा कॉन्टीन्यूअस होगा राइट right? अब हम सेकेंड की बात करें तो सिंपली इसके साथ क्या है ये भी कॉन्टीन्यूस है ये भी कॉन्टिन्यूस होता है अगेन लट से दिस इज पी एक्स एंड दिस इज जी एक्स अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पी एक्स माइनस जी एक्स भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा थर्ड की बात कर लेते हैं लट से दिस इज पी एक्स एंड दिस इज जी एक्स सो अगर पी एक्स कॉन्टिन्यूस है जी एक्स कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट के लिए सो पी एक्स इंटू जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो ओके okay स्टूडेंट अगर ये थोरम आपको याद है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे राइट right? अब आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा साइनक्स कॉसक्स कॉन्टिन्यूस है ये आपको पता है राइट right? उसमें मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा लेट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के okay, स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या है क्वेश्चन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉसैक सेक एंड कॉट यही आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले अगर हम कॉस की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करें तो ये कुछ कॉस का ग्राफ ऐसा दिखता है एट जीरो इसकी वैल्यू वन होती है राइट right, तो ये वेव होती है दैट इज गोइंग लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी तो ये डेफिनेटली द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया द फंक्शन इज कंटीन्यूअस सेकंड की बात करें कोसेक की कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है राइट right? तो sin x आपके पास क्या होता है कंटीन्यूअस ये तो हमें पता ही है cos भी कंटीन्यूअस है sin भी तो आप कोसेक को कैसे प्रूफ करेंगे सी ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में ये क्या है ये भी पॉलीनोमियल है ऑफ डिग्री 0 और नीचे क्या है एक दूसरा फंक्शन है दैट इज sin x वो भी कॉन्टीन्यूस है तो अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं तो उनका डिवीजन भी क्या होगा कॉन्टीन्यूस ही होगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा कौन सा जब साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा उस पर तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है राइट तो उसकी क्या कंडीशन होती है उसकी कंडीशन होती है कि अगर सी हमने ये पढ़ा था कि साइन एक्स जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाए होगा बट ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ नहीं होगा जब x एन पाई नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है अदरवाइज ये सारी टर्म्स के लिए क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा तो आप क्या लिख देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू एन पाए क्योंकि उस पॉइंट पे साइन एक्स जीरो हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी दैट इज नॉट डिफाइंड अब सिमिलरली अगर हम सेक की बात करें तो ये क्या हो जाता है वन अपॉन कॉज एक्स सेम यही कंडीशन इसमें आएगी वन भी कॉन्टिन्यूस है कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है बट वो कौन सा पॉइंट है जिस पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा जब कॉस एक्स जीरो हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो वो क्या कंडीशन होगी जब कॉस एक्स जीरो होगा मतलब जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 2n एन प्लस वन पाई बाई टू ये बहुत जनरल चीजें हैं ये हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ी थी पर मैं दोबारा से भी बता रही हूं कि अगर x की वैल्यू पाई बाई टू का कोई ऑर्ड मल्टीपल होगा तो कॉसेक्स जीरो हो जाएगा और अगर कॉसेक्स जीरो हो गया दिस इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है अदरवाइज जो आपका sec फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू फोर्थ पार्ट की बात करते हैं कॉटेक्स क्या होता है कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स तो कॉसेक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस है साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है तो उनका जो डिवीजन है जो उनका डिवीजन है वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा बट किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए साइन एक्स जीरो कब होगा विद अ वेरी सेम कंडीशन के कॉट एक्स कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई के लिए ओके okay, स्टूडेंट तो यहां पे थोड़ा टिक्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ तभी मैंने कहा था कि चैप्टर टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके स्टूडेंट सो वन टू थ्री फोर सारे के सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए उनकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी थी कर ली दिस थ्योरम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेट्स मूव फॉरवर्ड